नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी जो कार्रवाई हुई एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से, बताना चाहें घाटी से खबर आ रही है। OBOGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क मामला, दक्षिण कश्मीर में एनआईए की छापामारी, यानी के साउथ कश्मीर में एनआईए की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। क्योंकि लगातार जो कि OGW ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों के लिए काम करते हैं, आतंकियों के समर्थक हैं, उन्हें पूरी जानकारी देते हैं, उसी के चलते लगातार एनआईए की तरफ से आतंकियों के समर्थकों पर और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर लगातार अब गाज गिर रही है। यानी अब उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, जो आतंकियों को साथ देते हैं उनके हिमायती बने हुए हैं। और बड़ी खबर ये आ रही है कि 13 जुलाई यानी आज है, जांच एजेंसी जो कि गुरुवार को OGW नेटवर्क से जुड़े मामले में पूरे दक्षिण कश्मीर में छापामारी कर रही है। यानी सूत्रों के आधार पर जो उन्हें खबर मिली कि यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके होने की वहाँ काफी सारे लोगों की वहाँ पे होने की शंका, उसी के चलते एनआईए की तरफ से छापामारी चल रही है। और आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज सुबह एनआईए ने पुलिस और CRPF की मदद से, यानी दो और एजेंसियों के साथ मिलकर, उन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क के खिलाफ दक्षिण कश्मीर में मोर्चा खोला, यानी कि तलाशी अभियान शुरू किया है। OGW वर्कर के खिलाफ केस जो कि बताना चाहेंगे 5/22 के सिलसिले में छापामारी चल रही है। ये रिपोर्ट दर्ज होने तक फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी या बरामदी की सूचना नहीं मिली है, पर ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से, जिन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर आज जो साउथ कश्मीर यानी पुलवामा के कुछ इलाकों में छापामारी चल रही है, उन्हें खंगाला जा रहा है। क्योंकि लगातार जो मिशन ऑल आउट की बात करें तो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था शुरुआती दौर में, जब आतंकवाद पीक पर था, कि मिशन ऑल आउट, उसी के चलते लगातार अब आतंकियों को और उनके समर्थकों पर गाज गिर रही है। यानी आप उन्हें शिकंजा कसने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा था। जहां पर एक तरफ बात करें, वो लोग जो कहीं ना कहीं पत्थरबाजों के समर्थक होते थे, पत्थरबाजी को समर्थन देते थे, उन पर भी गाज गिरी। और आपने देखा कि ये कोई दोराहे नहीं है कि आप पत्थरबाजी की कोई भी घटना सामने नहीं आती है। यानी कहीं ना कहीं एक है, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा, जिसके चलते कश्मीर के लोग भी, कश्मीर के युवा भी चाहते थे रोजगारी और प्रगति और उनके व्यवसाय में उन्नति हो, उसी के चलते कई बार पहले जब देखा जाता था पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती थी, तो कुछ लोग हिमायत थे जो पत्थरबाजों के, वो सामने आकर बोलते थे और बड़ी खिलाफत करते थे। पर आज वो लोग कहीं ना कहीं गुम है, क्योंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, कोई दोराहे नहीं। भले ही आतंकवाद अभी कुछ बचे हुए हैं, उन्हें भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है, पर वही दूसरी तरफ बात करें अगर के लोगों के अब बिजनेस भी चल रहे हैं और पर्यटक पहले से ज्यादा वहां का रुख कर रहे हैं, यानी इसका मतलब साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार और एजेंसी कामयाब हुई है आतंकवाद को खत्म करने में। उनका जो डर और भय लोगों में था वो भी खत्म करने के लिए, क्योंकि अब कोई भी दुकान पत्थरबाजी की वजह से बंद नहीं होती, अब कोई भी स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते, अब कोई भी यातायात बंद नहीं होती। यानी काफी, ये कहेंगे काफी बदलाव आ रहा है, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारी एजेंसी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी ऐसे लोगों को नस्तोनाबूद कर देंगे जो कहीं ना कहीं देश के गद्दार तो हैं, वही दूसरी तरफ लोगों के भी गद्दार हैं। यानी लोगों के साथ भी, आम जनता के साथ भी गद्दारी करते हैं, उन बेगुनाहों का खून बहाते हैं, यानी देश के दुश्मन तो हैं, पर कहीं ना कहीं वो लोगों के भी, देश की जनता के भी दुश्मन है। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से साउथ कश्मीर में आज भी धर दबोच रहे हैं, यानी पूरी तरह से तलाशी अभियान है। ओवरग्राउंड वर्कर, ये वो ओवरग्राउंड वर्कर है, ये वो पूरा एक संगठन है जो कि आतंकियों के लिए काम करता है, उन्हें पूरी जानकारी देता है और पूरी तरह से कहीं ना कहीं जब भी आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते तो पूरा हाथ इन ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर का भी होता है, जो उनके सारथी बनते हैं, जो उनके हिमायती बनते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं शील्ड करते हैं। अब वाकई सही बात है कि जड़ तक क्यों ना पहुंचा जाए, इसीलिए एनआईए की तरफ से आज एक बड़ी कामयाबी हुई है। और टेरर फंडिंग मामले को लेकर, यानी जो
आतंकवाद से टेरर फंडिंग होती है और जो वो पैसा आतंकवाद के लिए लगाते हैं ताकि वो देश को बर्बाद कर सके, देश में दहशत फैला सकते और बेगुनाह का खून बहा सकते, अब उन लोगों पर भी लगाम कसना शुरू हो चुकी है। जरूर कहेंगे कि आज जम्मू कश्मीर के लोग भी अमन सुकून चाहते हैं, आज जम्मू कश्मीर का युवा भी चाहता है रोजगार हो, प्रगति हो, पर वही दूसरी तरफ लोग ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डर का माहौल खत्म हो। यानी जिस तरह से आतंकवाद फैलता जा रहा था, अगर उस पर लगाम नहीं कसते तो आज पत्थरबाजी की जो वारदातें वो भी लगातार होती, पर कहीं ना कहीं भारत सरकार और हमारी जो फोर्सेज उन्होंने मिलकर एजेंसी ने मिलकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताया कि शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि पहले अगर बात करें 2023 से पहले की, अगर बात करें एक पिछले साल की, दो साल की पहले की बात करें, तो आप देखते हैं हालात किस तरह के थे, किस तरह से लोगों का काम काज बंद था, लोग स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं परेशान, उनकी वेस्ट होती थी, पढ़ाई पर बाधा आती थी, अब वो चीज़ें नहीं है। यानी ये जरूर है कि बदलाव जरूर हो रहा, भले ही आहिस्ता आहिस्ता हो रहा पर होगा जरूर। उम्मीद करते हैं हमारी एजेंसी, हमारी पुलिस जो कि लगातार इन पर नजरें गड़ाए और शिकंजा कसे, आने वाले समय में पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म करने में कामयाब होंगे, पर उसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है। अगर आपके आसपास भी इस तरह के संदिग्ध लोग होंगे तो आप तुरंत पुलिस को या हमारे सुरक्षा बलों को जरूर इसकी जानकारी दीजिए। आपकी जो आइडेंटिटी है उसे गुप्त रखा जाएगा, उसे यानी के डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। समझदारी से अपनी जरूर देश, एक सच्चे देशवासी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाई। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर कि जो कदम उठाए जा रहे हैं ये कितने सही हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में देश के लिए, देश के लोगों के लिए? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रही है हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।